हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। और हाँ, कैसे हैं आप लोग? हम सभी को मेरा प्रणाम, छोटू को मेरा प्यार। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, सब सब कुशल होंगे, सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। और दोस्तों आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की ओर से हैप्पी दिवाली सभी लोगों को हैप्पी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं दीपावली की और लक्ष्मी पूजा की बहुत सारी ढेर कामनाएं। यार दोस्तों, यार ऐसा है, देखो मेरा तो यार सीन ऐसा है कि मैं जो है इस बार दीपावली बना नहीं पाएंगे। हम लोगों की दीपावली तो हो नहीं सकती है, क्योंकि यार तुम्हें पता ही है दीपावली नहीं हो सकती। मेरे मतलब परिवार में ही मतलब कोई एक्सपायर हुआ है, तो एक्सपायर होने में हम दीपावली नहीं बनाते, ये चीज़ें नहीं बनाई जाती हैं, क्योंकि दिया बत्ती नहीं जलाई जाती। और यार दोस्तों दीपावली नहीं बनाई जाती है, इसलिए मैं आप सभी लोगों से इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और दोस्तों यार एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यार दोस्तों आज जो है ना लक्ष्मी पूजा है, आप सभी लोगों को ढेर सारी सुनिए, आपके घर में धन दौलत से भर दे लक्ष्मी, ठीक है? और मेरे भी, ठीक है, यही दुआ करूँगा। यार कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, सब सही होंगे। यार दोस्तों, यार मेरे ना ब्लॉग जो है थोड़ा लेट आ रहे हैं, क्योंकि यार लेट आने का कारण मैंने आपको बता रखा पिछली वीडियो में क्या है क्या नहीं है करके, तो यार ऐसे ही है। तो और बताइए कैसे हैं? ये देखो बच्चों ने पूरी खेल रखे हैं यहाँ पे, ये अपने। हाँ क्या कर रहे हो रे? क्या है? अच्छा पैंट है। तू भाई ले। अच्छा चल ठीक है। तो बच्चे कह रहे हैं यार दीपावली है, पहले आज कपड़े अपने पहन लेते हैं। इनने अपने कपड़े ऐसे बिखेर रखे हैं। पापा यहाँ पर मिर्च सही कर रहे हैं। बाबू ये देखो पापा जी कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, मिर्च सही कर रहे हैं। मिर्च हमारे यहाँ देखो ऐसी होती है, भी उसको सही करने के बाद बढ़िया मिर्च हो जाती है। इस तरह से हो जाती है, जब हम जब उसको छाड़ के सही इस तरह से हो जाती है। ये देखिए कितनी बढ़िया भी हो जाती है, बढ़िया करके हो जाती है। तो यार दोस्तों आज हमारा क्या कहते हैं यार, यही प्लान है कि क्या नाम है जो है, ज़्यादा तो कुछ है नहीं प्लान, क्या कहते हैं यार प्लान क्या होगा, क्या करें, थोड़ा बहुत सफाई सफाई करनी पड़ेगी घर में, सफाई सफाई तो करनी पड़ेगी यार, दिवाली बनानी है नहीं। तो एक हमारा ब्लॉग मास्टर आ रखा है, हमारा मेरा भतीजा नीरज। दोस्तों ये देखिए दीपावली सबसे पहले आप लोगों को, ये देखिए दुदपुर से कल ही आया, मैं कल इसको लेने भी गया था नीचे, ब्लॉग नहीं बना पाया। दिवाली हमारी ऐसी है, कुछ खास है नहीं, बनानी है नहीं दीपावलियाँ। और बकाई आप लोग बनाई हैं दीपावलियाँ बढ़िया करके, ये से बनाई है दोस्तों। पटाखे कम फोड़ी है, क्योंकि नुकसानदायक है। इस टाइम बैन भी लगा रखा है पटाखों में, बहुत जगह से बैन भी लगाया है। हमारे पहाड़ में तो खैर कोई बैन नहीं है, जितनी मर्जी उतने फोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ इतना प्रदूषण होता नहीं है, आपको पता ही है अच्छी तरह से। और बाकी जो है दोस्तों यार, अब मैं आपका यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ। व्यू यहाँ का जो इस तरह, मौसम बिल्कुल आसमान में बिल्कुल छाया हुआ है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है मौसम, बादल कुछ भी नहीं है। और ये देखिए कुछ भी नहीं है, आपको दिखा दिया हमारा डॉगी ना गाइस, यार हंगी के हाल बहुत बुरे। हाँ ये देखो किसी ने घायल कर दिया इस बेचारे को, बहुत ही रस आजा। ये देखो इस तरह से यार चल भी नहीं पा रहा बेचारा, इसके पीछे रीढ़ की हड्डी किसी पता नहीं कहीं गया होगा, किसी के घर पर गया होगा, घर पर कहीं जाता किसी, अरे जाता किसी के वहाँ नहीं है, मतलब किसी के घर पर नहीं जाता, किसी घर में चोरी भी नहीं करता। हमारे घर में वफादारी करते, केवल घर के अंदर ही रहता है, यहीं रहता है, बाउंड्री के अंदर रहता है, बाउंड्री के अंदर कोई भी अनोन व्यक्ति आ जाता है उसके लिए भी बहुत खतरनाक था। यार दोस्तों किसी ने पता नहीं किसने उसके लिए बहुत बुरा हाल है।
क्योंकि इसकी रीढ़ की हड्डी पता नहीं किस तोड़ दी, ये वाली हड्डी तोड़ दी इसकी, ये वाली जो है ना ये वाली हड्डी तोड़ दी है, पता नहीं किसने तोड़ दी यार। खैर जो भी है यार, इस बेचारे को ऐसा करना नहीं चाहिए था, क्योंकि यार ये तो एक जानवर है यार, ना बोल सकता है ना कुछ कर सकता है बेचारा। दुश्मनी निकालनी भी तो हमने निकाल लेता बेचारा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसने इस तरह से दुश्मनी निकाली बहुत गलत किया है। तो यार दोस्तों यार हमारे यहाँ का पपीता देखिए इस तरह से झूल चुका है पूरी तरह से, मैंने इसमें दवाई का छिड़काव किया, कुछ छिड़काव किए हैं, छिड़काव किए तो पपीते में दाने कुछ इस तरह से खिलने लग गए। देखो छिड़काव करने के बाद अब ये फूल भी आ रहे हैं, देखो मैं आपको दिखा दूँ फूल भी आ रहे हैं लग गए। तो यानी कि ये पपीता पूरा ऊपर से नीचे तक का पूरा हो रखा है यार। इस पर केवल गिन के जो है 5-6 दाने हैं, ज़्यादा नहीं है, 5-6 दाने हैं ये पीछे इस तरह से। और मिर्च कल मैंने दवाई को छिड़काव किया तो मिर्च भी लग जाएगी, हरी 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 मिर्च लग जाएगी। अदरक भी मैंने आपको बता दी, अदरक भी कुछ इस तरह से आ रहा है यार। ये रहा बाकी का सीजन क्या है दोस्तों, आज का सीजन क्या है दोस्तों, आज कल चलिए बुआई बहुत से बहुत ज़्यादा बुआई चल रही है, हाथ में धूप खिली तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।